उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हाल ही में पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी का मुद्दा बनाया है और सरकार की नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के नेता का मानना है कि इस मुद्दे पर उपचुनाव के बाद उनके दल को काफ़ी फायदा पहुँच सकता है। वे विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकारी की विफलताओं पर कड़ी निंदा और आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि लीक पेपर को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में गहराई से बहस चल रही है। विभिन्न दल इस मुद्दे पर अपने अपने पक्ष साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही आधार पर नागरिकों की राय जानने का भी प्रयास किया जा रहा है। बता दें, अखिलेश यादव के इस कदम के बाद राजनीतिक दलों में गर्माहट बढ़ गई है और मुद्दा उपचुनाव में महत्वपूर्ण बन सकता है। उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ेगा। इसी बीच सरकार ने पेपर लीक मामले में आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि मामले में व्यापक जांच की जा रही है, कई जांच टीम बैठाई गई हैं और जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें, लेकिन अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके NDA के घटक दल का एक विधायक भी इस पूरे मामले में शामिल है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि एक वीडियो में साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरोपी विधायक ही कहता नजर आ रहा है, मगर उसके बावजूद भी आरोपी विधायक पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कई सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि उठाए गए सवालिया निशान किस हद तक पहुंचते हैं।